सुपरस्टार अनिल कपूर की आइकॉनिक फिल्म मिस्टर इंडिया 2 को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। जब से अली अब्बास जफर ने फिल्म का ऐलान किया था तब से ही इंडस्ट्री में इसकी बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस फिल्म के रीमेक को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले सोनम कपूर ने अली अब्बास जफर के मिस्टर इंडिया 2 के वाले बयान का विरोध किया था। अब इस फिल्म पर मिस्टर इंडिया के निर्देशक शेखर कपूर का भी ट्वीट आया है। शेखर कपूर ने भी इस पर ताज कसा है, साथ ही उन्होंने भी कहा है कि वे लीगल एक्शन ले सकते हैं। जानिए शेखर कपूर के वायरल ट्वीट क्या है। मिस्टर इंडिया रीमेक पर शेखर कपूर ने एक ट्वीट का रिलीज करते हुए लिखा था कि अब इस पर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा शेखर कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया के विलन मुगैम्बो की तस्वीर को साझा किया था और पूछा था कि क्या कहा मिस्टर इंडिया 2, इस दुनिया में कोई और मुगैम्बो भी है। सोनम कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। उन्होंने कहा था कि इस बारे में एक बार भी मेरे पापा से बात नहीं की गई, ये काफी अपमानजनक है। अली अब्बास जफर ने इस फिल्म का ऐलान करते हुए लिखा था कि वे इस फिल्म पर अभी काम कर रहे हैं, जल्द ही फिल्म का ऐलान और इसके कलाकारों के बारे में बताएंगे। अनिल कपूर और श्रीदेवी के धमाकेदार फिल्म सभी के जबान पर रटी है। इस फिल्म के सारे किरदार काफी ज्यादा मशहूर है। दिग्गज अमरीश पुरी ने मुगैम्बो का किरदार रोल किया था।